हाय गाइस, स्पोर्ट्स यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को कल हमने बताया था कि DDCA की ओर से हमें कंफर्मेशन मिला है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आज मुकाबला देखने आने वाले हैं। और अब ये जो कंफर्मेशन हमने कल आपको अनाउंस किया था, ये फुल प्रूफ खबर बन चुकी है, क्योंकि खुद DDCA के जॉइंट सेक्रेटरी राजन मनचंदा ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है कि आज जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है, उसमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत खुद वो मुकाबला देखने आएंगे। दिल्ली के स्पेक्टेटर्स, गुड न्यूज़ है, कल ऋषभ पंत आ रहे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। इतनी इंजरी होने के बावजूद भी वो दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करने आ रहा है, और DDCA स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आने वाले मैचों में भी ऋषभ पंत आए और DDCA उसके स्वागत के लिए तैयार है, पूरा देश उसके स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली का बहुत बड़ा स्टार है ऋषभ पंत, और हम उम्मीद रखेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक होकर वो कंट्री के लिए खेले। उनके लिए खास तौर से स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करवाए गए हैं, जिसमें उनके लिए एक रैंप बनवाया जा रहा है स्पेशली टू ब्रिंग हिम अप टू द स्टेडियम। और उसके साथ ही ये भी प्रोविजंस किए जा रहे हैं कि ऑडियंस को भी एक झलक उनके कप्तान की मिल सके। हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर को ऋषभ पंत वेंट थ्रू अ नियर लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट, लेकिन उससे उभर कर अब वो अपनी रोड टू रिकवरी पर हैं। और हम सभी की यही दुआएं हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर करके फुली हेल्दी हो सके और टीम में वापसी कर सके। हम आपको बता दें कि एक खिलाड़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली ये स्ट्रेसफुल हो जाता है जब इस तरह का एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट कोई फेस करे। इसीलिए जहां क्राउड आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है ऋषभ पंत की झलक देखकर, वहीं हम उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत खुद भी जब एक बार मैदान में वापस आएंगे तो अपनी टीम के लिए भी एक प्रोत्साहन का स्वरूप बन सकेंगे, और उनके लिए भी जब वो वहाँ पर होंगे तो अपने लिए भी उनके लिए एक वो बहुत बड़ा मेंटली बूस्टिंग फैक्टर होगा। वेल, स्पोर्ट्स यारी पर ऐसे ही और स्पोर्ट्स स्निपिट्स और न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मत भूलिएगा दोस्तों कि My11 Circle, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते और डाउनलोड करते हैं, यानी My11 Circle को, तो हमें इससे बहुत मदद होती है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।